जब उनकी सरकार बनेगी तो सबके पास रोजगार होगा। लेकिन आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सरकार ने भट्टियाँ ही बंद कर दी है। एक हिसाब से देखा जाए तो जो लोग मिट्टी का काम करते थे उनका काम ही बंद हो गया, उनका रोजगार छिन गया, इस पे क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, ये चाचा भतीजों की सरकार है, ये रोजगार के नाम पे तो जो है या तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें ठेकेदारी प्रथा चल रही है, वो तो गलत है ना उसमें सर। अरे जब आपके पास डिपार्टमेंट में जगह खाली होती है, उनकी जगह अगर मान लीजिए दो आगे सरकारी डिपार्टमेंट में दो वैकेंसी खाली होती है, कम से कम एक तो भरो उसको, लेकिन ठेकेदारी और प्रथा पे दे रहे हैं, वो गलत है। जो कि निजीकरण, जो सरकारी सेक्टर में निजीकरण बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरासर का अन्याय है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई समाज के लिए जहाँ करवे और वे ये करवे प्याले ये चीज़ चला रहे हो तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के बजाय इसको रोको ना, शिफ्ट कर दो। शिफ्ट ना कर सको तो वहाँ गैस या बिजली या कुछ वैसे उत्पादन दे जो हम काम कर सके। केजरीवाल जी, ये चाचा भतीजों की सरकार है, चाचा भतीजों की सरकार है, ये प्रदूषण के नाम पर गरीबों पर अत्याचार कर रही हैं और करते रहेंगे। ये अत्याचार नहीं करे रोकेंगे तो हम जो है प्रजापति समाज इसके खिलाफ़ धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और ये इसको हम छोड़ेंगे नहीं और हम अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि कूलर के बर्तन इस्तेमाल होने चाहिए, दूसरी तरफ आपकी जो मिट्टी की जो भट्टी है उसको बंद कर देती है, तो आपको क्या लगता है, दोहरी नीति नहीं है सरकार की? मोदी सरकार जी तो क्या कर रहे हैं, एक तरफ थप्पड़ मार रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम कुल्लड़ में चाय पिलाएंगे लोगों को, अरे कुल्लड़ में चाय तो जब पिलाओगे, जब कुल्लड़ अगल होकर बने दोगे और उनको पकने दोगे तभी तो वो कुल्लड़ में चाय मिलेगी। जब उनके कुल्लड़ ही नहीं पकेंगे नहीं बनेंगे तो कहाँ से कुल्लड़ में चाय पिलाओगे? ये तो एक दोगली नीति है नरेंद्र मोदी जी का, तो वाला हिसाब है, मार भी दिया और पुचकार भी रहे हैं, तो गलत है ये। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।